Good morning, students of class 2. I am going to continue lesson 8. Okay? Done. तो आज हम सेफ्टी रूल्स एट होम, घर में जो हम सेफ्टी रूल्स का पालन करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं. तो डू नॉट प्ले विथ फायर और लाइट ए मैच स्टिक फॉर फन. हमें क्या करना चाहिए? आग से, फायर मीन्स क्या होता है? आग होता है, तो आग से नहीं खेलना चाहिए. और माचिस का जो तिली होता है, उसका जो जलाते हैं, उससे नहीं खेलना चाहिए. बच्चे को बिल्कुल आग और माचिस के तिली से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो देखिए ये क्या कर रहा है बच्चा, हाथ में आग जल, ये माचिस का तिली जलाया हुआ है. क्या होगा इससे? इसका हाथ जल जाएगा. इसलिए बच्चे को ये दोनों चीज से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेज एंड फ्लग्स. बच्चे को इलेक्ट्रिक वायर्स मीन्स होता है बिजली का तार, बिजली के तार से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, और उसके प्लग से नहीं खेलना चाहिए. उससे बच्चे को दूर रहना चाहिए, बिजली के सामान से बिल्कुल दूर रहना चाहिए. ओके, अब है सम मोर सेफ्टी रूल्स एट होम, घर में जो कुछ सेफ्टी रूल्स का यूज हम करते हैं वो देखिए. क्या सब? डू नॉट प्ले विथ टूल्स, नाइफ्स एंड अदर शार्प थिंग्स. हमें कोई भी चाकू या नुकीले सामान से नहीं खेलना चाहिए. ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ योर इल्डर पेरेंट्स व्हेन यूजिंग एन इलेक्ट्रिक डिवाइस. यदि हम इलेक्ट्रिक सामान का कोई यूज करते हैं तो बड़े आदमी के हेल्प के मदद से तब उसका यूज हमें करना चाहिए. बच्चे को अकेले बिजली के सामान का यूज नहीं करना चाहिए. यदि घर में कोई बड़े हो तो उसकी मदद से हमें ये काम करते हैं. डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन टेरेस. जो हमें पतंग उड़ाने के लिए ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ये होता है कि छत पे यदि हम जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए तो पतंग के चलते गिर जाते हैं. इसीलिए ऊपर पतंग उड़ाने के लिए नहीं जाना चाहिए. डू नॉट क्लाइंब ऑन डोर और विंडो सील्स. हमें दरवाजे और विंडो पे नहीं चढ़ना चाहिए. डू नॉट गो क्लोज टू ए गैस स्टोव व्हेन समथिंग इज बीइंग कुक्ड. यदि हम गैस का यूज कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? गैस स्टोव को क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, खुला हुआ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे आग लगेगा. तब हमें खाना बनाने के बाद क्या करना चाहिए? रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए. गैस का स्विच जो होता है, नॉब होता है, उसको बंद कर देना चाहिए. डू नॉट टीच एनिमल्स, नॉट इवन पेट एनिमल्स एट होम. हमें जानवरों को टीच नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए. हम कितने जानवर को देखते हैं, अपने घर में पालते हैं, जैसे हुआ डॉग को पालते हैं, वो हमारी मदद करता है, कैट को पालते हैं, तो हमें जानवर को टीच नहीं करना चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए. अब डू यू नो द नेम ऑफ दीज व्हीकल्स, विंड आउट एंड राइट इन द ब्लैंक्स. क्या आप जानते हैं ये कौन सा व्हीकल्स है, कौन सा गाड़ी है, उसका आप इसका नेम लिखिए. ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज फॉर, इसका क्या यूज है, टेल द क्लास. तो इसे आप अपने क्लास में बताइए. तो ये क्या है? एम्बुलेंस है. तो एम्बुलेंस का काम क्या होता है? पेशेंट को ले जाना होता है, हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, ठीक है. अब ये क्या है? फायर ब्रिगेड. ये आग बुझाने वाला गाड़ी है. जहां कभी आग लग जाता है तो इसको हम बुलाते हैं और इसे आग बुझाते हैं. ओके, और अगले क्लास में हम फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आपको बताएंगे, फर्स्ट एड क्या है. तो तब तक के लिए बाय.